हाँ ये बोर्ड तो लगा है वहाँ पे, बोर्ड लगा हुआ है, ये ठेका पूरा सुनील पारा सर का है। तो आपको दुकान में किस हिसाब से? कुछ नहीं बोले, आप यहाँ पे लगाओ 15,000 रुपए महीने के साथ किराया देना। मुझे सोम काटने का मैं वो आते थे पैसा लेने के लिए, वो कभी आए नहीं है। वो तो फोन में बात करते थे किराया दे दो किराया दे दो, भेज रहा है हमका ठीक है। हमने बताया मैडम जी हम तो किराया देते इस जगह का, तो बोले ये तो अनलीगल है, यहाँ का कोई ठेका नहीं है इसका, और आप इसको खाली करिए, नहीं तो 2-3 दिन का उन्होंने समय दिया, बोले आप अपना उनसे पैसा वापस लिए, गलत तरीके से आपको दिया है ये। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं दानिश कंपनी। अभी हम खड़े हैं झांसी के मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र लगता है गेट नंबर 3, और ये आप कैमरे के पीछे देख रहे हैं गेट नंबर 3 से लेकर आप देखेंगे कि एक आगे एक सेल्फी पॉइंट बना है और ज्योतिबा राव फूले जी की वहां मूर्ति लगी है, वहां तक का एरिया पार्किंग के लिए अलॉट किया गया है, इसकी ठेकेदारी पार्किंग के लिए दी गई है। आप एक बार इसमें देख लेंगे सुनील पारा साहब नगर निगम झांसी पार्किंग स्थल, और एक साथ में ये देख लें कि बेंडिंग जोन के नाम से भी बनाया गया है। लेकिन अभी हमें जब जानकारी हमने की और जानकारी मिली करीब 10 दिन पहले नगर अपन नगर आयुक्त यहाँ पे आई हुई थी बोली मैडम, और उन्होंने तमाम जो भी वेंडर थे जो ठेले लगे थे उन सबको हटाया गया था। कहानी इसमें एक नया मोड़ आया, जो भी यहाँ वेंडर अपना ठेला लगा रहे थे या दुकान चला रहे थे, इसमें अवैध तरीके से रुपयों की उगाही की जा रही थी। करीब एक वेंडर से 600 से 800 रुपए दिन का उगाया जा रहा था, और कई लोग इसके शिकार हुए, क्योंकि जब मैडम आई इन लोगों से पूछा आप लोग यहाँ कैसे लगाते हैं, लोगों ने कहा हम इसका किराया देते हैं। ये क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। क्या करते हैं यहाँ? ये होटल चलाते थे। कहाँ पर? ये नगर निगम की पार्किंग में। किस जगह पर? जगह का नाम बताइए। नारायण अस्पताल के सामने। नारायण अस्पताल के सामने नगर निगम की जगह पर होटल चलाते हैं। तो ये तो गेट नंबर 3 से लेकर आगे तक पार्किंग का ठेका है। हमें जानकारी नहीं दी, हमें तो सुनील पारा सर ने दिया था। सुनील पारा सर? हाँ, ठेका भी शायद उन्हीं का है। हाँ ये बोर्ड तो लगा है वहाँ पे, बोर्ड लगा हुआ है, ये ठेका पूरा सुनील पारा सर का है। तो आपको दुकान में किस हिसाब से देती है? कुछ नहीं बोले, आप यहाँ पे लगाओ 15,000 रुपए महीने के हिसाब से किराया देना, ठीक है। तो क्या उनको लगाने के ऑथराइज थे वो पार्किंग का ठेका लेकर दुकान लगवाना? हमें ये जानकारी नहीं थी। फिर बोले ठीक है आप लगाइए 15,000 रुपए दीजिए महीना। हमने लगाई तो 5 महीने लगातार लगाई हमने, और 5 महीने का किराया दिया 15,000 रुपए के हिसाब से, कुछ ऑनलाइन दिया कुछ कैश दिया हमने, और जो उनके सोम काटने का में वो आते थे पैसा लेने के लिए, वो कभी आए नहीं है। वो तो फोन में बात करते थे किराया दे दो, भेज रहा है हमका ठीक है। सोमकांत निगम कौन है ये? सोमकांत निगम उन्हीं के साथ ही है। पार्टनर है क्या? अब जी हमें जानकारी नहीं, पार्टनर ही होंगे। अब क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? एक दिन मैडम आई थी तो बोली आप कैसे लगाए हैं। कौन सी मैडम? नगर आयुक्त। तो हमने बताया मैडम जी हम तो किराया देते इस जगह का, तो बोले ये तो अनलीगल है, यहाँ का कोई ठेका नहीं है इसका, और आप इसको खाली करिए, नहीं तो 2-3 दिन का उन्होंने समय दिया, बोले आप अपना उनसे पैसा वापस लिए, गलत तरीके से आपको दिया है ये। तो हमने उनसे बोला तो उनने पैसा तो रिटर्न किए नहीं हमारे, बोले आपने हमें थोड़ी ना दिए हैं, निगम जी को दिए हैं। तो निगम कह रहे हमने ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन किया वो हमने बताया, तो बोले उसका तो हमने कैश दे दिया है ना, तो हमसे हम तो बाहर के हैं, तो हम साथ फ्रॉड किया उनने इस तरह से। हम पिछले 5 महीने से 5 महीने का दिया कंटिन्यू 15,000 रुपये के साथ। हाँ 15,000 तो सर कितना कैश किया, वो कितना ऑनलाइन किया आपने? 40-45 हज़ार के लगभग ऑनलाइन है, बाकी हमने कैश दिया। जैसे दुकान जब आपने लगाई थी तो क्या ठेका जब उनका है तो उनने कोई आपत्ति नहीं जगाई? नहीं, 5 महीने तक कोई नहीं आया, तो जैसे 1-2 महीने में कोई आ जाता बोलने के लिए तो हमें समझ में आता कि भाई ठीक है 5 महीने कंटिन्यू वो तो चल रहा था हमारा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमने कहा चलो सही है। तो हमने फिर कोई उनसे बताया नहीं हमने, जबकि वो हमें कोई रसीद भी नहीं देते थे। हम तो बाहर के, अब जगह जगह उन्हीं के बोर्ड लगे हैं, तो अब कितना साक्ष्य काफी होता है। नहीं, हम दुकान लगाना थी तो यहाँ वो पार्किंग है तो वहाँ वो बैठते हैं, तो उनसे जानकारी की हमने, कहा हमें दुकान लगाना है, तो बोले ठीक है सुनील पारा जी से मिले, फिर उन्होंने बताया कि ठीक है आप लगा लीजिए 15,000 महीना लगेगा। हमने कहा ठीक है। तो क्या माना जाए, तो आपके साथ ठगी की गई है? बिल्कुल ठगी तो की गई है। अब बताइए हमारा इतना नुकसान हो गया है, 75,000 रुपये किराया तो मैंने दिया वो अलग बात है।
द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।